नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरचला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कुछ दिन पहले हमने टॉर्च टेस्ट के बारे में बात किया था और तब मैंने IgG और IgM यानी इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम के बारे में मेंशन किया था। आइए इनके बारे में विस्तार से बात करें। IgG और IgM एक प्रकार के एंटीबॉडीज हैं जो एक्चुअली प्रोटीन्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम एक इन्फेक्शन के दौरान प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ या फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में गया है तब भी IgG और IgM प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोटीन्स हैं बेसिकली। इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इम्यून रिस्पॉन्स में, यानी कि अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। सो इसका सिग्निफिकेंस इनफर्टिलिटी के साथ भी है। IgG एंटीबॉडीज जो है बहुत कॉमन एंटीबॉडीज हैं जो बॉडी बनाता है, और ये इनिशियल एक्सपोजर यानी कि अगर इन्फेक्शन कुछ है और ये इनिशियल एक्सपोजर के रिस्पॉन्स में बनता है, और इम्यूनिटी जो है वायरस के अगेंस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो सकता है, पैरासाइट्स के अगेंस्ट हो सकता है। इसीलिए इनफर्टिलिटी में IgG एंटीबॉडीज जो हैं वो ब्लड टेस्ट द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, उसको हम नाप सकते हैं क्या ये पेशेंट को पहले एक्सपोजर हुआ था या रीसेंट इन्फेक्शन है। तो बेसिकली IgG हमें प्रीवियस एक्सपोजर के बारे में बताता है, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गए, क्लेमिडिया, गनोरिया वगैरह। तो IgG जो एंटीबॉडीज़ हैं अगर वो पॉजिटिव तो इसका मतलब है पास्ट इन्फेक्शन कुछ है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आपको हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यानी कि आपके गर्भ हो सकता है, ओवरीज हो सकते हैं, या पुरुषों में भी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, यानी कि इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स बॉडी जो है वहाँ पे सूजना शुरू होता है, तो इन्फ्लेमेशन होना या स्कारिंग होना, यानी कि इन्फ्लेमेशन के बाद जब वो ठीक होता रहता है स्कारिंग, उसकी वजह से भी फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये हुआ है क्या मालूम कर सकते हैं IgG के ब्लड टेस्ट द्वारा। IgM जो है ये फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में सबसे पहले प्रोड्यूस करता है, यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्स है ये एंटीबॉडीज। और जब ये अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में प्रोड्यूस होता है तो हमें ये पता लगता है कि ऑनगोइंग इन्फेक्शन, यानी कि आपके बॉडी में अभी इन्फेक्शन जारी है। स्पेशली ऐसे इन्फेक्शन जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह जो हैं, इनके इन्फेक्शन की वजह से अवश्य फर्टिलिटी पे भी असर पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा, जो भी इन्फ्लेमेशन और डैमेज में बता रही थी, स्कारिंग वगैरह, ये IgM की वजह से भी हो सकता है। इन दोनों एंटीबॉडी से हमें यह पता लगता है कि इन्फेक्शन है या अभी भी फ्रेश इन्फेक्शन है, तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं अवश्य। कई बार एंटीबॉडीज दिए जा सकते हैं या कई और ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। एंटीबॉडी ट्रीटमेंट जो है IgG या IgM के प्रेजेंस में, यानी कि एंटीबॉडीज दिख रहे हैं हमें, तो तब या एक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या पुराना ही इन्फेक्शन हो सकता है बट उसका असर अभी भी है, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गए, इसकी वजह से आपको अभी भी सिम्टम्स है, इसलिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हो जाए या वायरल इन्फेक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन तुरंत ही निकल जाता है और ये जो मैं सूजन इन्फ्लेमेशन की बात करती थी वो कम हो जाता है, और फर्दर डैमेज यानी कि आगे चल के अगर कुछ डैमेज होना है तो वो भी कम हो जाता है। और अगर ये ठीक से मैनेज भी किया जाए, आप एंटीबायोटिक ठीक से पूरा कोर्स लें, तो ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है उसे भी आप कम कर सकते हैं, यानी कि आपके फर्टिलिटी के ऑप्शंस, आप आउटकम, आपकी फर्टिलिटी के चांसेस आप अवश्य बढ़ा सकते हैं। एंटीवायरल ट्रीटमेंट, अगर वायरल इन्फेक्शन हो रखा है आपको, जैसे कि हर्पिस सिंप्लेक्स हो गया या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसे हम HPV कहते हैं, इनके लिए भी एंटीवायरल मेडिकेशन दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये वायरल इन्फेक्शन कम हो सकता है। ये एंटीवायरल मेडिकेशन जो होते हैं ये वायरस के डुप्लीकेट से, जिसे रेप्लीकेट कहते हैं, उसको होने से रोकते हैं, और ये जो वायरल लोड होता है, ये जो रेप्लीकेशन डुप्लीकेशन की वजह से वायरस बढ़ रहा है उसे रोकने में ये एंटीवायरल मेडिकेशन सहायक होते हैं, जिसकी वजह से आपके फर्टिलिटी चांसेस बढ़ सकते हैं। फिर ऑटो इम्यून मॉड्यूलेटिंग थेरेपी भी होता है जिसमें IgG IgM होने के दौरान इम्यून मीडिएटेड कंडीशंस जिसे कहते हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीजेस हो गए जहाँ पे इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यू पे अटैक करना शुरू करता है, तब इम्यून मॉड्यूलेटिंग थेरेपीज जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिकेशंस दिए जाते हैं जिससे इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को कहा जाता है कि ये अटैक अपने ओन बॉडी पे करना बंद कर दे, जिससे ये जो एंटीबॉडीज होते हैं IgG IgM उसकी भी घटौती होती है जिससे इन्फेक्शन कम होता है। ये मेडिकेशन कुछ अक्सरों में ही दिया जाते हैं, ये इम्यूनोसप्रेसेंट, ये इम्यूनोसप्रेसेंट कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही दिए जाते हैं, अवश्य इन्हें एक
एक्सपीरियंस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही फिजिशियन समझिए, आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट समझिए, उनके गाइडेंस में ही करना चाहिए क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं और मॉनिटरिंग अवश्य चाहिए। अगर आपको ये जो एंटीबॉडीज के बारे में बताया और ये आप अपने ब्लड टेस्ट में आपने देखा हुआ है रिपोर्ट्स में, इसके बारे में आपको और सलाह चाहिए, मेडिकेशंस चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।